बस जिस तरह से शिक्षा मित्रों को साथ देने के लिए कहें, हम लोग भी बहुत ही पीड़ादायक जीवन जी रहे हैं। अब इसको बयां करने के लिए शब्द मेरे पास नहीं है, वो गए हैं तो बताएंगे अमिताभ जी। बस एक बार अपने मुखारविंद से हम लोग का सहयोग का आश्वासन दीजिए, और सहयोग कीजिए, आश्वासन नहीं सहयोग कीजिए। एक 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 समस्या यह है कि हम जो कहते हैं उसको करते हैं, बिल्कुल, हमें है आना ना। था आपसे मिलने। यही मेरे साथ एक दिक्कत है। हम वो हवा वाला काम नहीं करते, कहाँ आपको। हम जो हम छोड़ते नहीं, हमसे परेशान रहते हैं, चाहे डॉक्टर दिनेश शर्मा हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे शिक्षा मंत्री हो, चाहे महाराज जी हो, सब लोग हमसे परेशान रहते हैं। क्योंकि हम जो चीज लेते हैं तो हम ये नहीं देखते हैं कि अपना कोई निजी कोई स्वार्थ कोई काम रहता नहीं है। समाज के लिए जीते हैं, समाज के लिए मरते हैं, तो सार्वजनिक काम ही करते हैं, बाकी कुछ नहीं। बहने तो की बहने आपसे बस अनुरोध कर रही है, ऐसी ऐसी बहने हैं जिसके पति खत्म हो गए, दो दो बेटियां हैं, ठेलिया लगा रही है, और देख लो इतना लीटर है, कसम देकर देख लो, ठेल कम से कम आया है 20,000। देख लो तुम्हारे सामने में इतना है, सब तो देखो रख के रखी है। हम मानते हैं राखी है और चिट्ठी भी होगी हाँ जी, बस हम लोग का भी ऐसे आप करके हर जी लेते साथ हैं, दीजिए, बस किसी इतना जिले चाह का है आपसे देखो। अनुरोध है सर। हाँ तो ऐसे है, हर जिले का है जी। पूरा यही मतलब चला ही रहा ठीक है, मदद बस होगी। मदद होगी सर। क्या है, नहीं पहला मामला क्या है कि उस विषय को उठाए हैं हाँ तो उनका थोड़ा सा क्या है कि दो तीन मामले जब रखा जाता है ना तो मामला थोड़ा सा डाउन पड़ने लगता है। नहीं, एक मामला है, दो तीन मामला ही नहीं है, सिर्फ मामला है कि हम लोग अब ओवर एक एज हो गए मामला हैं। सर, एक आप मामला है हम लोग को अस्थायी कर दिया जाए, और टीचर नहीं बनाया जाए, अनुदेशक पद पे ही अनुदेशक में अस्थायी कर दिया जाए, क्योंकि हम लोग सारी योग्यता को जो मानक है एक टीचर का वो सारे पूर्ण करके तब हम लोग बहाल हुए हैं। और इस बात को अधिकारी जो सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाया है माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, और हम लोग चाहे अब चाहे जिस भी प्रक्रिया से जाना चाहे उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। अब आप ही लोग का दया दृष्टि होगा कि हम लोग का जो पीड़ा है ये दुख वो माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया जाए, और हम लोग का भविष्य जो अंधकारमय है उसको उजियारा दिया जाए और ठीक सुरक्षित ठीक किया जाए। ठीक एक ठीक मुद्दा है, बस आश्वासन दीजिए, दीजिए सहयोग की आशीर्वाद दे दीजिए कि हाँ हम हाँ, आपका बस एक बहन करवध निवेदन है कि पूरे उत्तर प्रदेश का कि आप हम लोग का मदद कीजिए प्लीज। अब हम लोग समझ नहीं आ रहा है कहाँ जाए, किसका दरवाजा खटखटाए, और आपका सहारा लेके आपको इस तरह से मैसेज भेजें। ठीक। भाई लोग तो बहुत गया होगा आपके पास, अब बहन नहीं आप बोलिएगा तो फिर हम आके आपके गेट पे ही धरना फॉर्म दे नहीं, देंगे। गेट पे आके धरना देने की जरूरत नहीं है अभी हमें मदद चाहिए, अपने बस गुरु भ्राता से हमको मदद चाहिए, अब हम कहाँ जी जाएं। जी 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 अब ठीक जी सने सही बताइए कि क्या भाई ये मेरा मदद करेगा या नहीं करेगा। करेगा, मदद करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आज कृष्ण जन्माष्टमी पर आपका आशीर्वाद हमें मिल गया, जी इसके लिए करेंगे कोटि कोटि आभार करेंगे आपका। करेंगे, देखते हैं, बनाते हैं सिस्टम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, हनुमान जी कल्याण करें, आपके कार्य शुभ हो। जय श्री राम। जय श्री राम।